रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे करना है। जैसे ही आप रिटर्न को प्रव्यू कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे, उसके बाद आपकी रिटर्न को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई बाय ITR 5। यानी कि क्या आप अभी वेरीफाई करना चाहते हैं आधार OTP के साथ, या प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ, या डीमैट अकाउंट के साथ है, या फिर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं, जिस केस में कि आपको 120 डेज मिलते हैं ई वेरीफाई करने के लिए, या फिर आप ITR की जो एक्नॉलेजमेंट है उसे साइन करके बेंगलोर भेजेंगे 120 डेज के अंदर, तो हम ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं और कंटिन्यू बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे ई वेरीफाई करना चाहते हैं, यानी कि क्या वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाए जो कि आधार के साथ रजिस्टर किया हुआ है, या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ई वेरीफाई करना चाहते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करना चाहते हैं। यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप चूज़ कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट नंबर के साथ, या फिर थ्रू डीमैट अकाउंट, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपने अपने आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक किया है उस पर आपको वन टाइम पासवर्ड जाएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आई बटन दिया गया है, इसे क्लिक करके आप इस OTP को देख सकते हैं और इसे रीसेंड भी कर सकते हैं यदि आपको ये OTP नहीं मिला है, तो यहाँ वैलिडेट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि आप रिटर्न को सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पे सबमिट बटन पे प्रेस करना है, तो उसके बाद आपकी रिटर्न जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और ईमेल आईडी है उस पर आपको मैसेज आएगा जैसे ही ITR प्रोसेस की जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म दिया गया है जहाँ से जाके आप इस ITR की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने बैंक के ATM से भी EVC को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक की ATM पे विजिट करना है और अपने ATM कार्ड को स्वाइप करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग, और उसके बाद EVC आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे भेज दिया जाएगा जो कि ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। यह EVC 72 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ई वेरीफाई के अंतर्गत जाना है और यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव एन ई वेरीफिकेशन कोड EVC, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और EVC एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप EVC जनरेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप सर्विस टाइम में जाके जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके EVC को जनरेट कर सकते हैं, और यदि आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो उसके बाद आप उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके, व्यू फाइल्ड रिटर्न के अंतर्गत आप असेसमेंट ईयर 21-22 की यहाँ पे रिटर्न का स्टेटस देख सकते हैं कि आपने किस दिन फाइल की है और क्या वो ई वेरीफाई हो चुकी है, और यहाँ से आप इसका जो कंप्लीट फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएंगे, एक्नॉलेजमेंट यानी कि रसीद डाउनलोड कर पाएंगे, और JSON फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।
आप अपने बैंक के एटीएम से भी ईवीसी को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक की एटीएम पे विजिट करना है और अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग और उसके बाद ईवीसी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे भेज दिया जाएगा जो कि ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। यह ईवीसी 72 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ई वेरीफाई के अंतर्गत जाना है और यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव एन ई वेरीफिकेशन कोड ईवीसी, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ईवीसी एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं